दोस्तों, आप सभी भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव के बारे में जानते ही होंगे। कहा जाता है गरुड़ देव तीनों लोकों में से सबसे शक्तिशाली प्राणी है। इसी कारण भगवान विष्णु ने इन्हें अपना वाहन बना लिया था। गरुड़ देव भगवान विष्णु के वाहन कैसे बने, ये एक बहुत ही रोचक कहानी है। आज हम आपको ये बताएंगे कि गरुड़ देव कौन थे और वो भगवान विष्णु जी के वाहन कैसे बने। आप में से काफी लोग ये जानते ही होंगे कि गरुड़ देव महर्षि कश्यप के पुत्र थे। महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थी, उनमें से दो पत्नियों के नाम थे विनिता और कद्रु, जो प्रजापति दक्ष की ही पुत्रियां थी। महर्षि कश्यप की दोनों पत्नियां आपस में सगी बहनें होकर भी एक दूसरे से शत्रुओं की तरह बैर रखती थी। एक बार महर्षि जी की पत्नी कद्रु ने उनसे 1000 बलवान नाग पुत्रों को जन्म देने की इच्छा प्रकट की। जब विनिता को ये बात पता चली तो उसने भी ऋषि से दो ऐसे पुत्रों की इच्छा व्यक्त की जो कद्रु के 1000 पुत्रों से भी ज्यादा बलवान और पराक्रमी हो। दोनों की इच्छा व्यक्त करने के बाद वो दोनों गर्भवती हो गई। फिर समय आने पर अपनी इच्छा के अनुसार कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विनिता ने 2 अंडे दिए। उन अंडों को उन्होंने गर्म बर्तन में रख दिया। कुछ वर्षों बाद कद्रु के अंडे फूटे और उसमें से शेषनाग और वासुकी सहित 1000 बलशाली नाग पुत्र उत्पन्न हुए। परंतु विनिता के दोनों अंडे काफी समय तक नहीं फूटे थे। अपने पुत्र के उत्पन्न में देर होती देख एक दिन विनिता ने एक अंडा अपने हाथों से ही फोड़ डाला तो उसने देखा कि उस अंडे में जो शिशु था वे एक पक्षी था और उस शिशु का आधा शरीर ही पुष्ट हो पाया था, नीचे का आधा शरीर अभी भी कच्चा था। तब वो शिशु ने क्रोध में आकर अपनी माता विनिता को ये श्राप दे दिया कि तूने जिस बहन की बराबरी करने के लिए मुझे अधूरे शरीर का बना दिया, तू हमेशा अपनी उसी बहन की दासी बनके रहेगी। अपने ही पुत्र से ये श्राप पाकर विनिता बहुत दुखी हो गई। उस शिशु ने जब अपनी माँ की ये दिशा देखी तो उसे दया आ गई और उसने अपनी माँ से ये कहा कि अगर तूने अपने दूसरे बच्चे को अंगहीन ना किया तो वही तुम्हें मेरे इस श्राप से मुक्त करेगा। इतना कहकर वो शिशु आकाश में उड़ गया और भगवान सूर्य के रथ का सारथी बन गया था। दोस्तों, विनिता के उस शिशु का नाम अरुण पड़ा। कहते हैं कि प्रातःकाल में सूर्य उदय के समय की लाली विनिता की उसी पुत्र अरुण की ही होती है। इधर पृथ्वी लोक में अपने पुत्र अरुण से श्राप मिलने के बाद विनिता ने अपने दूसरे अंडे को अपने आप से फूटने का इंतजार किया और समय आने पर वो अंडा फूटा और उसमें से गरुड़ नाम का एक महाबलशाली पक्षी उत्पन्न हुआ। गरुड़ बहुत ही बलवान और पराक्रमी था। उसे जब ये पता चला कि उसकी सौतेली माँ कद्रु ने अपने नाग पुत्रों के साथ मिलकर धोखे से अपनी माँ विनिता को दासी बना लिया था तो उसे बहुत दुख हुआ था। तब गरुड़ ने नाग और उसकी माँ कद्रु से ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूँ कि तुम मेरी माँ को अपने दासत्व से मुक्त कर दो। तभी नागों ने गरुड़ से ये कहा कि यदि तुम हमारे लिए स्वर्ग से अमृत ला दो तो हम तुम्हारी माता को अपने दासत्व से मुक्त कर देंगे। इसके बाद गरुड़ देव ने अपने माँ को दासत्व से मुक्त करने के लिए स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था तो तब देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं का गरुड़ के साथ युद्ध हुआ था, परंतु सारे देवता मिलकर भी गरुड़ को रोक नहीं पाते और गरुड़ देव सभी देवताओं को हरा कर स्वर्ग से अमृत ले जाते हैं। जब भगवान विष्णु ने अमृत कलश ले जाते
गरुड़देव को देखा तो वो देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि गरुड़ को अमृत का कोई लालच नहीं है। गरुड़ में अमृत को पीकर अमर होने का जरा भी लोभ नहीं है। इसीलिए भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के पास आए और उनसे बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हें वर देना चाहता हूं। तब गरुड़ ने कहा कि भगवान आप मुझे अपने ध्वजा में रख लीजिए और दूसरा मैं बिना अमृत पिए ही अमर हो जाऊं। भगवान विष्णु ने गरुड़ देव की इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए तथास्तु कहा। तो गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं भी आपको एक वरदान देना चाहता हूं, आप भी मुझसे कुछ मांग लीजिए। तब गरुड़ देव की ये बातें सुनके भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मेरे वाहन बन जाओ। तो दोस्तों, गरुड़ देव की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए और साथ ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके पास लाते रहें। धन्यवाद।